लॉकडाउन में जहां बड़ी बड़ी कंपनियों को कई करोड़ का घाटा हुआ, तो वहीं पाले जी बिस्किट ने नए कीर्तिमान दर्ज कर दिए हैं। कंपनी ने आंकड़े जारी कर ये जानकारी दी है। 82 साल पहले जिस बिस्किट को बनाने की शुरुआत हुई थी, वो आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है। कोरोना काल में लोगों ने पाले जी की खूब खरीदारी की। आम लोगों में इस बिस्किट की बहुत लोकप्रियता है। आज भी इस बिस्किट की भारत के ग्रामीण अंचल में खूब पहुंच है और लोग इसको बड़े चाव के साथ खाते हैं। बताया गया है कि लॉकडाउन के दौरान पाले जी बिस्किट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पाले प्रोडक्ट्स के कैटेगरी हेड मैंग शाह ने मीडिया को बताया कि बीते 3 महीनों में लॉकडाउन की अवधि में कंपनी का कुल मार्केट शेयर करीब 5% बढ़ा है और इसमें से 80-90% ग्रोथ पाले जी की सेल से हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल चलकर घर जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें यह बिस्किट बहुत सही लगा। एक तो यह बिस्किट सस्ता भी है और उसको खाने से ग्लूकोज भी मिलता है। एक तथ्य यह भी है कि कई लोगों ने पैदल चल रहे मजदूरों की मदद करने के लिए उनमें इसी बिस्किट का वितरण किया था। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि पार्ले ने अपने 82 सालों में इतिहास में सबसे अधिक बिक्री का नया रिकॉर्ड बनाया है। कंपनी की तरफ से ये तो नहीं बताया गया कि कितने रुपए का लाभ हुआ है, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि कंपनी ने पिछले 8 दशकों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस लॉकडाउन के पार्ले को देश भर में सबसे अधिक पसंद किया गया। आपको बता दें कि पाले जी की स्थापना सन 1938 में की गई थी। 1938 से ही बिस्किट लोगों के बीच एक फेवरेट ब्रांड रहा। इसका सबसे बड़ा कारण है इसका सस्ता होना और अच्छी क्वालिटी। इस बिस्किट के सबसे अधिक बिकने के और भी कई कारण हैं। कंपनी की ओर से बताया गया है कि पाले प्रोडक्ट्स ने अपने सबसे अच्छे बिकने वाले लेकिन कम कीमत वाले ब्रांड पाले जी पर फोकस किया। ग्राहकों की ओर से इसकी खूब डिमांड आ रही थी। कंपनी ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को भी 1 हफ्ते के अंदर रीसेट कर दिया ताकि रिटेल आउटलेट पर बिस्किट की कमी ना हो। इसकी वजह से कंपनी ने लॉकडाउन के दौरान आपूर्ति में कोई भी कमी नहीं रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, समय भारत।